हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीओटी। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं किसके ऊपर, दैट इज गवर्नर ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि मैंने आपको करंट अफेयर्स के फॉर्म में बताया था कि करंट अफेयर्स का पार्ट है, राइट? नॉट एग्जैक्टली कि करंट अफेयर्स ही है, बट एट द सेम टाइम आपके एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे, आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे, उस समय तक बहुत सारे गवर्नर्स चेंज हो जाएंगे, राइट? सो उस समय हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कुछ और डेटास को ऊपर नीचे करके इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो करंट अफेयर्स के साथ साथ ये आप देख सकते हो कि ये स्टैटिक भी कहा जा सकता है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक भी कह सकते हैं, ठीक है? चलो, तो स्टैटिक पार्ट क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमारे एग्जाम में पूछ दिया गया कि भाई क्या बताओ पंजाब का गवर्नर कौन है ना, दिल्ली का गवर्नमेंट तो गवर्नर तो होता नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होती है। क्यों? क्योंकि यूटी है, राइट? यूटी पे हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर होती है, स्टेट्स के गवर्नर होते हैं जो कि अपने किसके अंदर आती है, सारे के सारे प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं, ठीक है? उनकी अपॉइंटमेंट भी देखोगे आप गवर्नर की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कौन करते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है? चलो, तो गवर्नर ऑफ इंडिया क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और गवर्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी क्या होगी, रजनी सर के क्लासेस में पता चल गई होगी, राइट? चलो नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आज किनका है गवर्नरशिप, दैट इज श्री जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, श्री जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की, राइट? ये बेसिकली रिटायर्ड क्या है, जज हैं, जस्टिस हैं, राइट? जज हैं एक्चुअली। इनको क्या किया गया, अब जाके आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा रिनाउंड जस्टिस थे, जज थे, तो इनको बनाया गया कहाँ का गवर्नर, आंध्र प्रदेश का, ठीक है? चलो आसान है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन, कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, ठीक है? ये जो आप देखते हो ना, ये ऐसे बड़े बड़े डेजिग्नेशंस, ये इनके लाइफ में ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पे जाकर क्या कहना, इन्होंने ऑपरेट किया, काम किया, राइट? तो ये चीज़ है। तो क्या ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में कैसे याद रखोगे कि आप अरुणाचल प्रदेश में सर एस लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, आप समझो कि आज के समय बहुत ज़्यादा टेंशन है हमारे किन के साथ, चाइना के साथ, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो ऐसे कुछ कड़क इंसान को रखना पड़ेगा वहाँ पे, है ना? तो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, ठीक है? असम, असम, असम में क्या होती है, असम में चाय बनती है, असम में आप देखो असम की चाय बहुत फेमस है, तो चाय में भी खुशबू होती है, इसीलिए देखो इनके नाम में भी क्या है, श्री गुलाब चंद कटारिया, गुलाब में भी क्या है, खुशबू होती है। ऐसे कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे याद नहीं रहेगा, है ना? तो असम में चाय बनती है, चाय में खुशबू होती है, तो खुशबू और किस में हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, दैट इज़ गुलाब में, राइट? सो गुलाब चंद कटारिया असम के, ठीक है? नेक्स्ट बिहार, बिहार है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, कैसे याद रखोगे, एक बात बताओ मुझे, आपकी फर्स्ट जो आपके पूरे देश के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, कहाँ के थे, बिहार के थे। सेम चीज़ बिहार से देखो कौन है, अभी भी राजेंद्र है, बस नाम में थोड़ा पीछे बदलाव है, दैट इज़ राजेंद्र प्रसाद नहीं है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, समझ रहे हो? इस तरह से कोरिलेट करोगे इजीली याद हो जाएगा। सो पहला क्या देखा हमने, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या होता है हमेशा कुछ कानून व्यवस्था का दिक्कत आते रहता है, कुछ समझ लो थोड़ा, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, कोई ऐसा इंसान जो कानून को समझे, दैट इज़ जस्टिस श्री जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, एस अब्दुल नज़ीर को हमने रखते हैं वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में बहुत बॉर्डर टेंशन होती है, हमने लेफ्टिनेंट क्या करा, जनरल को वहाँ पे रख दिया, दैट इज़ कैवल्य त्रिविक्रम परनायक को, राइट? कि आप देखभाल करिए वहाँ पे। असम में टी बनती है, टी में खुशबू होती है और हमें गुलाब से भी खुशबू आती है, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है? बिहार, बिहार में आप देखो, बिहार में राजेंद्र प्रसाद है, तो बिहार से ही आप देखो राजेंद्र नाम के भी अभी क्या है हमारे गवर्नर, दैट इज़ राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का श्री विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है? अब छत्तीसगढ़ कैसा है, थोड़ा देखो जंगल वाला एरिया, यानी बहुत सारे वहाँ पेड़ पौधे हैं, तो हरिचंदन, चंदन कहाँ से मिलता है, जंगलों से, तो ये कैसे समझ में आओगे, तो आप देखो विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है? पहला आपको स्लाइड होपफुली अच्छे से याद हो गया होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, आपको मेरे साथ याद करते हुए चलना है, राइट? गोवा, गोवा में देखो कौन है, पी एस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है? पी एस श्रीधरन पिल्लई, इसका नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा या कुछ भी बता दूं ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ठीक है? तो श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई बेसिकली कहाँ के हैं, गोवा के हमारे क्या हैं, गवर्नर हैं, राइट? गुजरात देखो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है? तो आचार्य मतलब देखो गुजरात में आचार्य मतलब, आचार्य मतलब होता है जैसे गुरु होते हैं, राइट? तो ज़्यादातर आप देखो जो हमारे पीछे के कुछ हैं, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कैसे थे हमारे, एक तरह से गुरु के फॉर्म में थे, हमें गाइड करा उन्होंने, है ना? तो आचार्य कह सकते हैं उन्हें। तो इस तरह से देखो गुजरात में ही बेसिकली क्या है, आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत, ठीक? इस तरह से आपको ध्यान रखना, आचार्य देवव्रत मतलब आपको पहला एटलीस्ट नाम याद रहेगा, तो आप बाद में इसको रिलेट कर लोगे, आचार्य देवव्रत, ठीक है? यह है गुजरात। हरियाणा, हरियाणा में देखो श्री बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है?
बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है। अब ये कहने को समझ नहीं आ रहा, हरियाणा में लोग क्या करते हैं, बहुत दारू वारू पीते हैं, है ना, ठीक है। इनके नाम को चेंज करने की बात नहीं है, बस एक छोटा सा याद करने के लिए बता रहा हूँ। हरियाणा में क्या दिखता है कि हरियाणा में लोग दारू पीते होंगे, ऐसा होता होगा, ठीक है, हट्टे कट्टे जाट होते हैं, राइट। तो क्या समझ में आया, बंदारू दत्तात्रेय, बंदारू दत्तात्रेय, इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये हरियाणा का है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया, पहाड़ों में आप देखो किन की सबसे ज़्यादा पूजा होगी, शिव जी की। तो आपको क्या ध्यान रखना है, श्री शिव प्रताप शुक्ला, श्री शिव प्रताप शुक्ला, यानी पहाड़ों पे क्या होती है, बहुत जंगल होते हैं, जंगल होता है, जंगल मतलब बहुत सारे जानवर होते हैं, तो पशुपतिनाथ कौन है, शिव जी हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश से हम कैसे याद रख सकते हैं, श्री शिव प्रताप शुक्ला, श्री शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, याद हो गया ये चीज़ें। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो आप, झारखंड सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। अब सीपी राधा कृष्णन कैसे याद रखोगे, अब मुश्किल है थोड़ा। राधा कृष्णन बेसिकली, राधा जो रामकृष्ण परमहंस थे वो बेसिकली कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बगल में अब झारखंड है। अब ऐसा रिलेशन बनाओगे तो टफ हो जाएगा, इससे बेहतर है झारखंड का हम याद कर ले, ठीक है, दैट इज सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, मतलब हमें याद तो करना ही पड़ेगा, बस हमें रिलेशन मिल जाएगा। जैसे गुजरात, गुजरात में कौन थे बताओ, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से क्या याद आया, आचार्य याद आया, तो हम आचार्य से ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला बिहार में, बिहार में कैसे, कौन थे सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे, राजेंद्र, तो अभी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमेशा हर चीज़ में मिलेगा नहीं, लेकिन हमें इस तरह से कुछ निमोनिक्स ढूंढ लेना है। देखो कर्नाटक, कर्नाटक में अभी क्या हो रही थी, बहुत उथल पुथल हो रही थी, तो कर्नाटक में आज के समय जो हमारे तावरचंद गहलोत जी हैं वो बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर भी हुआ करते थे, यानी यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे एक समय, उनको बेसिकली क्या किया गया, अब जाकर कहाँ रख दिया गया है, दैट इज़ कर्नाटक में उनको क्या कर दिया गया, गवर्नर बना के रख दिया गया, तावरचंद गहलोत, तावरचंद गहलोत, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक क्यों, कर्नाटक में बहुत उथल पुथल चल रही थी। नेक्स्ट इज केरला, केरला में आपको पता होगा, केरला में सबसे नीचे वाला एरिया, दैट इज़ वहाँ पे आप देखो बहुत सालों से एक्चुअली, या बहुत टाइम से एक बहुत फेमस नाम है, दैट इज़ श्री आरिफ मोहम्मद खान, इनको वहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या करके रखा, गवर्नर बना के रखा हुआ, दैट इज़ आरिफ मोहम्मद खान, याद रखना आरिफ मोहम्मद खान, केरला के। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच है, बीचों बीच है, ठीक है। और देखो कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल जो बीचों बीच है, एम से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और एम से यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि भोपाली जो स्लैंग है थोड़ा बहुत अलग है ना, भोपाली लैंग्वेज जो बोलते हैं ना कि भोपाली है, ऐसा ऐसा थोड़ा अलग सा लैंग्वेज है ना, सुरमा भोपाली, तो ये जो लैंग्वेज अलग है, तो देखो इनका नाम भी बहुत अलग है ना, देखो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक, तो बहुत क्या है, बहुत अलग तरीके के नाम भी हैं, तो आप इससे रिलेट करो थोड़ा, राइट, दैट इज़ मध्य प्रदेश में क्या है, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रमेश बाईस, रमेश बाईस, रमेश बाईस, ठीक है। महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र थोड़ा बाइस्ड है ना, महाराष्ट्र क्या है, थोड़ा बाइस्ड है कि आप जैसे मराठी आपको आनी चाहिए, थोड़ा मराठवाड़ा ऐसा वाला सीन है, तो थोड़ा बाइस्ड है वो लोग, है ना, समझ रहे हो। बाइस्ड कैसे है, मतलब कि मुझे यहाँ पे जब मराठी हो तो मराठी लोग क्या करें, थोड़े मराठी में बात करें, मराठा जय मराठा करें, है ना, ये तो बाइस्ड है। इस तरह से क्या कह सकते हैं, रमेश बाइस, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, रमेश बाइस, देख रहे हो। थोड़े थोड़े निमोनिक्स के साथ हम लोग 14 नंबर तक पहुंच चुके हैं, और हमें 14 स्टेट्स का याद करना। चलिए नेक्स्ट इज मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में कौन है, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, ठीक है। मणिपुर में अभी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, तो हमें कैसा लगा, दर्द हुआ, दर्द किससे होते, सुई से, है ना। मणिपुर में आज के समय क्या हुआ है, आज के समय देखो अब बहुत ज़्यादा कुछ हिंसा हुई, एक दिक्कत हुआ, तो हमें दर्द हुआ, है ना, हर सारे इंडियंस को दर्द हुआ, दर्द किससे होते, सुई लगने से, तो अनुसुईया, अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके, ठीक है। इस तरह के कुछ हमें निमोनिक्स को करना पड़ेगा, राइट। और ये ऐसा नहीं कि मैं पहले से सोच के आया था, पता नहीं मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और ये चीज़ें मेरे दिमाग में खुद ही आ रही है, राइट, अनुसुईया उइके, ठीक है। आप उइमा उइमा भी करते हो तो देखो उइका उइके भी है, तो अब तो याद ही हो गया, ठीक है, अनुसुईया उइके, करेक्ट। नेक्स्ट इज मेघालय, मेघालय में कौन है आज के समय, फागू चौहान, फागू चौहान एक्चुअली कौन थे, बिहार के थे कुछ समय पहले, और इनको क्या किया गया, अब मेघालय भेज दिया गया, ठीक है, कि आप बिहार से जाकर मेघालय में चले जाओ, ठीक। तो अगर कुछ लोग पहले से थोड़ा इसको फॉलो कर रहे होते, देखो कितना हेल्प मिलता है, क्योंकि कुछ गवर्नर्स को तो बस शिफ्ट कर दिया जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस ऐसा नहीं कि हर साल बहुत सारे गवर्नर्स बनते हैं, पूरे 28 स्टेट्स के गवर्नर बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। गवर्नर के केस में आप देखो मुश्किल से ऐसे हर साल कुछ 3-4 गवर्नर्स, 4-5 गवर्नर्स नए आते हैं, बाकी को शिफ्ट कर दिया जाते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस। तो मेघालय के जो आज गवर्नर है फागू चौहान, ये बेसिकली बिहार के गवर्नर थे। नेक्स्ट इज मिजोरम, मिजोरम में देखो कंभमपति हरिबापू, कंभमपति हरिबापू मिजोरम में,
ठीक है, कम्भम पति हरिबापू। तो मिजोरम भी क्या है, बहुत जंगल वाला एरिया, बहुत उसमें होगा। तो पशुपतिनाथ हमने सुना था, तो इसे कैसे याद रखेंगे, कम्भम पति, कम्भम पति यानी ऐसा, कम्भम पति हरिबापू। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं लग रहा तो फिर आप उसको याद भी रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट इज नागालैंड, नागालैंड में ला गणेशन, ला गणेशन, ठीक है, ला गणेशन हमारे कौन है, नागालैंड के, याद हो जाएगा तो बहुत सिंपल सी है। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में कौन है, गणेशी लाल, उड़ीसा में कौन है, गणेशी लाल। ठीक है, कैसे याद रखोगे, उड़ीसा कहाँ है आप देखो, बिल्कुल तटीय इलाका है, दैट इज़ वहाँ के जस्ट बाद क्या, बे ऑफ बंगाल है। तो जब गणेश जी की हम पूजा करते हैं तो विसर्जन करने जाते हैं बहुत धूमधाम से, ठीक है, तो विसर्जन कहाँ करेंगे, पानी के तट के पास, तो तट के पास कौन है, उड़ीसा है और गणेशी लाल है, गणेशी लाल, ठीक है, उड़ीसा से गणेशी लाल, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है, प्रोफेसर गणेशी लाल। मणिपुर अनुसुईया उइके, मणिपुर में भी हिंसा हुई, हमें दर्द हुआ, अनुसुईया उइके। मेघालय फागु चौहान, जो कि पहले बिहार के थे, ठीक। मिजोरम में देखो कम्भमपति हरिबापू कहाँ है, ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है, राइट, तो कम्भमपति हरिबापू। नागालैंड ला गणेशन, उड़ीसा का प्रोफेसर गणेशी लाल, क्यों, उड़ीसा तटीय इलाका है तो वहाँ पे गणेश जी के हम विसर्जन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो पंजाब, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक, ध्यान रखना पड़ेगा, पंजाब का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। राजस्थान, राजस्थान में क्या है, कलराज मिश्र, ठीक है, वहाँ पे कलराज, कलराज मतलब बहुत सारे राजा हुआ करते थे, ठीक है, कल थे लेकिन आज तो नहीं है राजा, कल राजा हुआ करते थे, इसलिए कैसे याद रख सकते हैं, कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, ठीक है, याद रहेगा ऐसे, इनके नाम में भी राज है तो ये राजस्थान के ही होंगे, देख रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बहुत पहले करा, अभी इम्प्रोवाइज हो रहा मेरे साथ, खुद भी मैं खुद भी हैरान हूँ थोड़ा, है ना। श्री कलराज मिश्र, ठीक है, कल राजा हुआ करते थे या राजस्थान थे राजस में, ठीक है, तो कलराज मिश्र। सिक्किम में कौन है, देखो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ के हैं, सिक्किम के, सिक्किम के कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण जी का गुस्सा हमेशा कहाँ होता था, एकदम सर पे, तो इंडिया का देखो एकदम सर वाला एरिया क्या है, ऊपर वाला, दैट इज वेस्ट बंगाल के पास, थोड़ा सा निकला हुआ कौन है, सिक्किम, दैट इज लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तमिलनाडु, तमिलनाडु में आर एन रवि, आर एन रवि, तो रविचंद्र अश्विन की तरह के तमिलनाडु के, जिनको जिनको क्रिकेट समझ में आती है, रविचंद्रन अश्विन कहाँ के, तमिलनाडु के, यानी केरला, केरला के नहीं है, तमिलनाडु चेन्नई के पास के हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु के कौन होंगे, ऐसे समझ लो रविचंद्रन अश्विन तमिलनाडु का, तो ध्यान आ गया रवि, है ना, तो आर एन रवि, आर एन रवि, देखो कितना आसानी से याद हो रहा है ना, आर एन रवि। तो पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान का कलराज मिश्र, सिक्किम के हो गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और तमिलनाडु के हो गए आर एन रवि, दैट इज रविचंद्रन अश्विन से हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तेलंगाना के कौन है, तमिलिसाई सुंदर राजन, तमिलिसाई सुंदर राजन, ठीक है, तेलंगाना बहुत सुंदर हो गया आज के टाइम में, वहाँ पे जो हैदराबाद है वहाँ बहुत घूमने लोग जाते हैं, ठीक है, तो तमिली लोग भी आते हैं नीचे से, तमिलिसाई सुंदर राजन, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखना पड़ेगा थोड़ा आपको, है ना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखो आनंदी बहन पटेल है, आनंदी बहन पटेल, श्रीमती आनंदी बहन पटेल, तो एक चीज़ समझो आप, उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा भी क्या है, पूरा का पूरा आप देखोगे लिस्ट में इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ के गवर्नर कौन है, फीमेल है, दैट इज आनंदी बहन पटेल, ये याद रख लो, उत्तर प्रदेश में क्या है आप देखो, उत्तर प्रदेश में कौन है अभी, कोई फीमेल है, दैट इज आनंदी बहन पटेल। नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी देखो नेपाल ने हमारे साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट किया, बॉर्डर जहाँ डिस्प्यूट होगा वहाँ किसको भेजेंगे हम, लेफ्टिनेंट जनरल को भेजेंगे, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, गुरमीत सिंह है, जहाँ जहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट हम वहाँ वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना रहे, क्या लेफ्टिनेंट जनरल को क्या बना रहे, वहाँ पे हम गवर्नर बना रहे, तो ध्यान रहेगा ये चीज़ आसान है, इनकी डेजिग्नेशन है। वेस्ट बंगाल में देखो क्या है, सेवी आनंद बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, ऐसे जो बोस हुआ करते थे वो कहाँ के होते थे, खुदीराम बोस, ये लोग कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल के थे, तो यहाँ पे क्या है आनंद बोस। सिटी ऑफ जॉय, जॉय मतलब आनंद, तो इनका नाम क्या है, आनंद बोस, कितने सारे रिलेशन मिल रहे हैं हमें। तो वेस्ट बंगाल में क्या, वेस्ट बंगाल को बोलते हैं कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, जॉय मतलब आनंद, आनंद बोस, याद हो गया, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा और इसी तरह के कुछ निमोनिक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे होपफुली मैंने अच्छे अच्छे निमोनिक्स आपको बताए हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा क्लास, अगर लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए हमारे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे जो गूगल फॉर्म है उनको प्लीज़ फिलआउट कर दीजिए, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगा, कैसा लगा, नहीं लगा, ठीक है, और कुछ इनोवेटिव करना चाहिए मुझे या कुछ और अलग तरीके से बताना चाहिए आपको, ये सारी बातें मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।